दोस्तों शाओमी के रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7 प्रो के लॉन्च होने के बाद आसुस ने भी अपने स्मार्टफोन के प्राइस को कम किया है। अब जो है आसुस का जेनफोन मैक्स प्रो M2 और रेडमी नोट 7 आपको सेम प्राइस रेंज में देखने मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आसुस के जेनफोन मैक्स प्रो M2 और रेडमी नोट 7 का जो है कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेस्ट है जो कि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हो गए। तो आप लोग जो इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ आप हमारे चैनल ADTech को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। Redmi Note 7 में आपको जो है फुल्ली ग्लास बैक पैनल मिलता है, जिसमें आपको फ्रंट एंड रेयर पैनल पे 2.5 रिकवर्ड ग्लास एंड गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। वही फ़ोन में आपको जो है ग्लॉसी डिज़ाइन के साथ रेयर पैनल पे वर्टिकली ड्यूल रेयर कैमरा का सेटअप एंड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो बॉटम साइड में आपको स्पीकर ग्रिल और USB टाइप सी पोर्ट मिलते हैं। फ़ोन में आपको जो है टॉप साइड पे आयर ब्लास्टर और 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। Redmi Note 7 में आपको जो है 6.3 इंच का डॉट नॉच डिस्प्ले मिलता है, जो कि फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है। 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो में आपको इसमें जो है बेजल बहुत ही कम देखने मिलते हैं। Asus के Zenfone Max Pro M2 में अभी आपको जो है ग्लॉसी ग्लास डिज़ाइन मिलता है, जो कि राउंडेड एंड कर्व्ड कॉर्नर के साथ आता है। रेयर पैनल पे आपको वर्टिकली ड्यूल रेयर कैमरा का सेटअप एंड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। Zenfone Max Pro M2 में आपको जो है 6.26 इंच का फुल HD प्लस 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो में नॉच डिस्प्ले मिलता है, जिसपे आपको 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है ना, आपको इसमें बेजल बहुत ही कम दिए गए हैं। डिस्प्ले पे आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिलता है। दोस्तों Asus Zenfone Max Pro M2 और Redmi Note 7 दोनों फ़ोन में आपको सेम प्रोसेसर मिलते हैं, जो कि है Snapdragon 660 का। लेकिन आपको Zenfone Max Pro M2 में 2GHz पर प्रोसेसर मिलता है, वही आपको Redmi Note 7 में 2.2GHz पर प्रोसेसर दिया गया है। आपको इसमें Adreno का 512 का GPU मिलता है। ये प्रोसेसर AI बेस्ड पावरफुल और बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। आपको बता दूं कि Asus के Zenfone Max Pro M2 में आपको जो है प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ एंड्रॉइड का ऑडियो दिया गया है। वही Redmi Note 7 में आपको जो है MIUI 10 के साथ एंड्रॉइड 9.0 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। दोस्तों Redmi Note 7 में आपको दो वेरिएंट देखने मिलते हैं, जिसमें आपको 3GB रैम 32GB रोम तो 4GB रैम 64GB रोम वाले वेरिएंट दिए गए, जिसको आप चाहे तो हाइब्रिड सिम स्लॉट के थ्रू एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। Asus Zenfone Max Pro M2 में भी आपको तीन वेरिएंट देखने मिलते हैं, जिसमें आपको 3GB रैम 32GB रोम 4GB रैम 64GB रोम तो 6GB रैम 64GB रोम वाले वेरिएंट दिए गए हैं, जिसमें आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट मिलता है। Redmi Note 7 में आपको ड्यूल रेयर कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है, तो 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी डेप्थ सेंसर मिलता है। रेयर कैमरे में आपको LED फ्लैश के साथ PDF, HDR और AI बेस्ड फीचर मिलते हैं। वही आपको इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसमें आपको AI बेस्ड कई सारे फीचर देखने मिलते हैं। Asus Zenfone Max Pro M2 में भी आपको ड्यूल रेयर कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है एपर्चर F1.8 के साथ, तो 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी डेप्थ सेंसर मिलता है। रेयर कैमरे में आपको LED फ्लैश के साथ PDF, EIS, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर मिलते हैं। वही आपको इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है एपर्चर F2.0 के साथ, जिसमें आपको सॉफ्ट LED फ्लैश के साथ EIS, पोर्ट्रेट मोड, बुके मोड जैसे फीचर मिलते हैं। Redmi Note 7 में आपको जो है 4000mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें आपको जो है Qualcomm क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट मिलता है। वही Asus के Zenfone Max Pro M2 में आपको जो है 5000mAh की मैसिव बैटरी दी गई है। दोस्तों Redmi Note 7 के 3GB रैम 32GB रोम वाले वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 10,000 रुपीज, तो 4GB रैम 64GB रोम वाले वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 12,000 रुपीज, जो कि आपको 6 मार्च से Flipkart और Mi.com की साइट पे मिलेगा। Asus Zenfone Max Pro M2 का जो प्राइस फिलहाल कम किया गया है, अब इस फोन के 3GB रैम 32GB रोम वाला वेरिएंट आपको 10,000 रुपीज में, 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको 12,000 रुपीज में, तो 6GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको 14,000 रुपीज में मिलेगा, जिसको आप Flipkart से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों Asus Zenfone Max Pro M2 और Redmi Note 7 दोनों फ़ोन में आपको जो है अच्छे स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, प्राइस भी दोनों फ़ोन का सेम है, लेकिन आपको Redmi Note 7 में जो है
आपको ओवरक्लॉक प्रोसेसर मिलता है, आपको फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी मिलती है, आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलता है। उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ASUS ZenFone Max Pro M2 में आपको जो है बिल्ड क्वालिटी बढ़िया दी गई है, आपको बैटरी बड़ी मिलती है, कैमरा सही दिया गया है, प्योर स्टॉक एंड्रॉइड का UI मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से फोन के साथ जाना पसंद करोगे। तो दोस्तों आप लोगों को दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट लगा है आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल EDTech को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। We'll be right back.